आप देख रहे हैं HNI लाइव, हर खबर के साथ। करोड़ों रुपए की फर्जी रेवेन्यू स्टैम्प का मामला थाने शहर में सामने आया, जहां 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए के फर्जी रेवेन्यू स्टैम्प बरामद किए हैं। तो वहीं पुलिस की माने तो यह ग्रुप मुंबई के अंधेरी इलाके से अपने इस कारोबार को संचालित करता था। तो साथ ही ये 2015 से काला कारोबार संचालित हो रहा है। माइनिंग का व्यापार कर रहे ये लोग फर्जी स्टैम्प तरीके से बेचते थे। पुलिस का दावा है कि अरबों रुपए की चपत इन लोगों ने फर्जी रेवेन्यू स्टैम्प बेचकर अब तक सरकार को लगाई है। तब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को दबोचा है। तो साथ ही मामले की पड़ताल जारी है। हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि कुछ लोग डुप्लीकेट रिसिट बना के रेवेन्यू के लिए ये बेचने का काम करते हैं। हमारे जो क्राइम ब्रांच के ACPA कदम साहब, उनके अंडर में जो हमारा यही से कश्मीर साहब, उन्होंने एक टीम बनाया और टीम के बाद हमें पता चला कि हमने एक आदमी को कलवा नाका जो वहाँ से उठाया, तो उसके पास एक बुक हमको मिला। वो बुक टोटल इलीगल था, जो डुप्लीकेट बुक बनाया था उसमें वो रॉयल्टी देता था। उसको रेती चाहिए तो रेती का देता था, अगर मिट्टी चाहिए तो मिट्टी का देता था, लेकिन ज़्यादातर वो रेती का ही देता था। तो ऐसे हमने करीब 250 के आसपास हमने ये बुक उसके तरफ से जब किए हुए हैं, और उसमें अभी तक हमने 10 मरीज को पकड़ के कोर्ट में पेश किया है, और वो सब हमारे पीसी के। नवी मुंबई के कामोटे इलाके में रविवार 7:30 बजे एक तेज रफ्तार स्कोडा कार ने सड़क से गुजर रहे 6 लोगों को उड़ा दिया। इस घटना का CCTV फुटेज दिल दहला देने वाला है। घटना के बाद कुछ पल के लिए भगदड़ मच गई, तो हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हैं। स्कोडा कार इतनी तेजी से आई कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और ना लोग संभल पाए, और 6 लोग इस हादसे में उड़ गए। कार से ठोकर लगते ही यहाँ वहाँ हवा में उछलकर लोग जमीन पर गिर गए। पहले कार ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मारी, फिर सड़क से गुजरकर 4 अन्य राहगीरों को रौंद दिया। तो आप भी देखिए CCTV फुटेज को। घोड़ा जो गाड़ी है, रैपिड घोड़ा गाड़ी MH01BF993, इसका जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर जैसे घर से निकला और बिना ब्रेक दबाए गाड़ी चलाता ये सरोवर के पास आया, सरोवर बैंक्वेट हॉल की तरफ। और रास्ते में उसने एक औरत को, एक बच्चे को और एक आदमी को डैश किया, और आगे स्कूल बस थी, स्कूल बस को डैश होकर वो गाड़ी वो रुक गई। तब तक के ये जो दोनों, एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम सार्थक है और वैभव करके 30 साल का आदमी है, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और 3-4 लोगों को उसने इंजर्ड किया है। जैसे भी उसने डैश किया गाड़ी को, वो तुरंत भाग गया। उसका नाम हमें पता चला है और जल्दी उसको हम लोग अरेस्ट करेंगे।